नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ प्लानर्स में। दोस्तों आज मैं बहुत स्पेशल एपिसोड लेकर आया हूँ, जिसे सुनने में तो बहुत अजीब सा लग सकता है लेकिन उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। टॉपिक का नाम है क्या आपके ऊपर हुई है तांत्रिक क्रिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे तांत्रिक क्रिया के बारे में। वर्तमान वैज्ञानिक युग में तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया की बात थोड़ी बेमानी लगती है। इस पर यकीन करना वैज्ञानिक तथ्यों और सबूतों के बिना बात करना मुश्किल है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका जवाब मेडिकल साइंस और इस वैज्ञानिक युग दोनों में नहीं मिल पाता। देखिए कैसे। एक बात तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जिस तरह हवा आपको दिखाई नहीं देती लेकिन उसका अस्तित्व अवश्य है, उसी प्रकार तांत्रिक प्रयोग दिखाई नहीं देते, हाँ महसूस जरूर किए जा सकते हैं। जब आप पर या आपके परिवार के किसी भी सदस्य पर तांत्रिक प्रयोग होता है तो सबसे पहले इसका प्रभाव आपकी तबीयत पर आता है, यानी कि आपकी तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर इलाज में सारी रिपोर्टें तो नॉर्मल आती है लेकिन तबीयत फिर भी खराब रहती है। तांत्रिक क्रिया का प्रयोग हम पर हमसे जलने वाले ईर्ष्या की भावना रखने वाले ही करते हैं। ये व्यक्ति और कोई नहीं होते बल्कि हमारे जीवन में हमारे आसपास एवं हमसे जुड़े लोग ही तो होते हैं। आपने अक्सर सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि हमारे घर की खुशियों पर तो किसी की काली नज़र लग गई। ये काली नज़र क्या है, यानी कि लोगों की जलसी भावना है या फिर लोग तांत्रिकों को पास जाकर कुछ ऐसी क्रियाएं कराते हैं जिसके नतीजे में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, किसी प्रकार की हानि होती है। दोस्तों की भीड़ में दुश्मनों को पहचानना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। आप नहीं समझ सकते कब कौन आपके पीठ के पीछे वार करके आपको धोखा देकर चला जाएगा। आपकी कोई बात किसी को कितनी बुरी लग सकती है कि इसका बदला लेने के लिए वो किस हद तक पहुंच जाएगा। आप इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कोई व्यक्ति आपसे दुश्मनी के लिए तांत्रिक क्रिया भी करवा सकता है। कई बार हमारी सफलता और समृद्धि से जलने वाले लोग भी क्षति पहुंचाने के लिए टोने टोटके तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव से एकदम ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ऐसे लगता है कल तक तो सब कुछ सही चल रहा था, आज एकदम से क्या हो गया। ये सब तांत्रिक क्रियाओं का ही असर है। मैं आपको कुछ ऐसे प्रभाव भी बताऊंगा जिससे आप जान सकते हैं। तांत्रिक क्रिया और टोने टोटके से बहुत से व्यक्ति परेशान हैं और इनके प्रभाव में बहुत ही बुरे होते हैं, जो व्यक्ति के रहन सहन को बहुत प्रभावित करते हैं। जानते हैं ऐसी कुछ घटनाएं प्रैक्टिकली क्या होती जिससे आप पता लगा सकते हैं कहीं आप पर तो तांत्रिक क्रिया का प्रभाव नहीं है। ये कुछ घरेलू सिम्टम्स ही है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहीं आप तो तांत्रिक क्रिया के शिकार नहीं हो गए। आपके घर में अचानक से बिल्ली, उल्लू, चमगादड़, सांप, भंवरा घूमता दिखाई दे तो समझ लीजिए ये तांत्रिक क्रिया का ही असर है। यदि खाना खाते समय अक्सर आपके भोजन में बाल आ जाते हैं, ये भी तांत्रिक क्रिया का असर है। रात्रि को सोते समय आप एक हरा नींबू लें और उसे तकिए के नीचे रख लें और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिव क्रिया हुई है वो इस नींबू में समाहित हो जाए। सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हुआ या रंग काला मिले तो समझ लेना आप पर तांत्रिक क्रिया हुई है। यह प्रयोग मैंने बताया है तांत्रिक क्रिया जानने के लिए कि आप पर की तो तांत्रिक क्रिया नहीं हो गई है। रात को अपने सिराने में आप एक लोटा भरकर भी रखें, फिर इसे सुबह उठते ही किसी भी गमले या बगीचे में लगे छोटे से पौधे में डाल दें। ऐसे करने के पश्चात यदि आपका पौधा मुरझाता रहा है तो समझ लेना आपके पर तांत्रिक क्रिया हुई है। या एक दिन नहीं, एक सप्ताह के अंदर पानी डालने के पश्चात भी हो सकता है, यानी एक सप्ताह तक यदि आप पौधे में पानी डालते जा रहे हैं यदि फिर भी पौधा मुरझा जाए तो समझ लेना आपके घर पर तांत्रिक क्रिया हो चुकी है। यदि बार बार मन में घबराहट होने लगे, पसीना आने लगे, हाथ पैर शून्य हो जाए, मेडिकल जांच में रिपोर्ट सामान्य आने के पश्चात भी आप लोगों को लगे कि नहीं घर में कुछ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आप पर तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं। अब तांत्रिक क्रिया के शिकार होने के अलावा और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको अचानक भूख लग सकती है लेकिन खाने का मन ही नहीं करेगा। घर में सुबह या शाम मंदिर में दीपक जलाते समय कोई विवाद हो जाएंगे या फिर बच्चा रोने लग जाएगा या फिर आपका दीपक अचानक ही बुझ जाएगा तो घर के मंदिर में या फिर अचानक आग भी लग सकती है। ये क्रियाएं भी तांत्रिक क्रिया के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा घर के सदस्यों का एक के बाद एक बीमार पड़ जाना और
आपके नए कपड़े, यदि जनरली आप नए कपड़े खरीद के लाते हैं और अचानक से वो फट जाएँ, तो समझ लेना ये सब तांत्रिक क्रियाओं का ही लक्षण है। यदि इनमें से एक या दो सिम्टम्स भी यदि आप पर नज़र आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया का प्रभाव आ चुका है और आप तांत्रिक क्रिया के शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा ऊपरी हवाओं का प्रभाव सबसे पहले हमारी आंखों पर पड़ता है। यदि आपको अचानक ही कुछ दिन तक कंटिन्यू लगे कि आपके आंखें भारी भारी लग रही है, तो समझ लेना आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव शुरू हो गया है। अब क्रियाओं का प्रभाव तो है, आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे? जी हाँ, मैं मनीष गौड़ आज आप सब लोगों के मध्य ऐसे ही कुछ घरेलू उपाय लाया हूँ जिससे आप पर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव नहीं होगा। यदि प्रभाव है भी तो वो तांत्रिक क्रियाएँ आपके ऊपर से नष्ट हो जाएंगी और आप अपना जीवन सुखमय रूप से जिएंगे। उपायों के अंतर्गत अक्सर मैंने देखा है जिनकी कुंडली में राहु यदि वीक पोजिशन में हो तो ऐसे जातक पर तांत्रिक क्रिया आसानी से लागू हो जाती। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में राहु यदि कमजोर पोजीशन में है तो ऐसे व्यक्ति जल्दी ऊपरी हवाओं और तांत्रिक क्रियाओं में आ जाते हैं। उपायों के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक के अंतर्गत आप शुद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन करें, ये पाठ अत्यंत लाभदायी है। इसके अलावा सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में ही आप दुर्गा कवच आता है उसका पाठ भी कर सकते हैं। यदि आप पाठ करने में असमर्थ हैं तो ऑडियो कैसेट लेके भी इसको सुन सकते हैं। तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट करने के लिए आपको मैं एक बहुत अद्भुत प्रयोग बताता हूँ। यह प्रयोग आपको शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन क्या कीजिए, आप झाड़ू वाली सीख वाली झाड़ू लेके आ जाएं और इसके अंदर अपने लंबाई से 7 गुना लंबा काला धागा इसके अंदर बांध दें और झाड़ू के मध्य 5 लौंग, 5 काली मिर्च, 1 साबुत लाल मिर्च, 8 छोटे फिटकरी के टुकड़े और 3 कपूर की टिक्की को झाड़ू के अंदर रख दें और काले धागे को झाड़ू के ऊपर से लिपटा दें। फिर जिस पलंग पर आप सोते हैं उस पलंग के चारों ओर झाड़ू को लेकर आप 3 परिक्रमा लगाएं और झाड़ू को पलंग के नीचे ही रख दें। यह झाड़ू अगले शनिवार तक पलंग के नीचे ही रहेगा, यानी इस शनिवार से आप प्रयोग करेंगे, अगले शनिवार तक झाड़ू पलंग के नीचे ही रहना है। लेकिन यह प्रयोग जिस शनिवार से आपने शुरू किया है उस शनिवार से अगले शनिवार तक एक मिट्टी के दीपक में 2 कपूर रात्रि को सोते समय रोज जलाएंगे और जब अगला शनिवार आ जाएगा तो अगले शनिवार की रात्रि के समय इस झाड़ू को लेकर आप किसी भी चौराहे पर चले जाएं और झाड़ू में से सारी सामग्री को बाहर निकाल दें और मिट्टी के दिए में जला दें और झाड़ू को 8 बार जमीन से जोर जोर से पटकें और झाड़ू की सारी तेलियां को बिखेर कर चौराहे पर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें और घर में आने से पहले घर के बाहर ही हाथ मुंह धोकर प्रवेश करें तथा प्रवेश करने के पश्चात घर में एक अगरबत्ती जला लें और आपने जो वस्त्र पहन रखे थे उन वस्त्रों को बदल लें। यह प्रयोग करने के बाद आप पर किसी भी तांत्रिक क्रिया हो वो नष्ट हो जाएगी। यह बहुत ही एक अद्भुत प्रयोग है जिसे हजारों लोगों पर आजमाया गया है। इसके अलावा एक और प्रयोग बताता हूँ, यदि आप पर तांत्रिक क्रिया हुई है तो उसे अमावस्या की रात्रि एक काला रेशमी वस्त्र ले रेशमी वस्त्र बहुत सारे होते हैं, काला रेशमी वस्त्र लेना, उसके अंदर आपको एक जटा वाला नारियल रखना है और नारियल के ऊपर 7 बार काला रेशमी धागा भी लपेटना है। काले वस्त्र में आप थोड़ी सी काली सरसों डालें और माँ काली का ध्यान लगाएं। माँ काली का ध्यान लगाते हुए माँ काली से प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर जिस किसी ने भी तांत्रिक क्रिया करी है या करवा रखी है वो वापस उसी के ऊपर लौट जाए। इसके पश्चात इस काले वस्त्र की पोटली बनाकर किसी भी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। यह प्रयोग करने के कुछ पश्चात ही आपको पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। मेरी एक फॉलोअर्स है जो कि एक नई दिल्ली में है, उनका निवास स्थान है, उनके ऊपर किसी ने भयंकर रूप से तांत्रिक क्रिया करवा देखी थी। मैंने यह प्रयोग उनको बताया था और यह प्रयोग करने के कुछ समय पश्चात ही उन्हें चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिले थे। ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला प्रयोग है। इस प्रयोग को आप शांतिपूर्वक करेंगे तो आपका तांत्रिक क्रिया अवश्य नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप तांत्रिक क्रियाओं से दूर रहना चाहते हैं तो हनुमान जी भगवान की प्रतिदिन पूजा आराधना करें। जो जातक हनुमान जी भगवान की पूजा आराधना करता है उस पर तांत्रिक क्रिया का तो असर होता ही नहीं। यदि फिर भी किसी कारण किसी ने भयंकर रूप से तांत्रिक क्रिया करा रखी है तो उसके लिए मैं आपको बहुत चमत्कारिक प्रयोग बताता हूँ। शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन जिस जातक के ऊपर तांत्रिक क्रिया का असर है वो जातक स्वयं हनुमान जी भगवान के मंदिर में जाकर
रुई से पंचमुखी रुई का दिया के लौ, यानी पांच लौ दिए हुए होनी चाहिए। उसमें चमेली का तेल डालें और उसमें दो लौंग भी डाल दें और हनुमान जी के सामने वह दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान चालीसा व बजरंग बाण का पाठ करके तांत्रिक क्रिया से मुक्त होने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप वापस घर लौट आइए। ऐसा आप सात मंगलवार करेंगे तो आप पर तांत्रिक क्रिया नष्ट हो जाएगी। हनुमान जी भगवान किसी भी तांत्रिक क्रिया को अपने ऊपर नहीं आने देते। इसके अलावा आपको एक और हनुमान जी भगवान का चमत्कारिक यंत्र का सरल प्रयोग बताने जा रहा हूँ। यह प्रयोग आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन करना है, यानी कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आप अपने पूजा घर में सिद्ध अभिमंत्रित हनुमंत यंत्र की स्थापना करें। यंत्र स्थापना करने के लिए आपको सबसे पहले एक 1.25 मीटर लाल कपड़े की आवश्यकता रहेगी। इस लाल कपड़े को आप अपने पूजा घर में अपने पूजा घर के स्पेस के अनुसार फोल्ड कर इस लाल वस्त्र को बिछाना है। फिर इस वस्त्र के ऊपर हनुमंत यंत्र रखना है। फिर यंत्र के सामने आपको एक जटा वाला नारियल, उसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बना के इस नारियल को यंत्र के सामने रखें। साथ ही यंत्र के सामने दो इलायची, दो लौंग, दो कपूर की टिकिया भी रख दें और 21 दिनों तक इस यंत्र के सामने एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम हनु हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वा। इस मंत्र का आप रुद्राक्ष की माला से 21 दिनों तक प्रतिदिन जाप करें। इसके पश्चात उस नारियल को आप बहते हुए पानी में डाल दें। इलायची, लौंग और कपूर को आप जला दें। शीघ्र ही आपके ऊपर से तांत्रिक क्रिया समाप्त हो जाएगी। जब तक आपके घर में यह हनुमंत यंत्र रहेगा, आपके या आपके पूरे परिवार पे कोई तांत्रिक क्रिया कर ही नहीं सकता। आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया का प्रभाव नहीं रहेगा। यह प्रयोग मैंने एक क्लाइंट जो कि आज मेरे परम मित्र भी हैं उनको बताया था। उनका नाम और उनकी पहचान मैं गुप्त रखना चाहूँगा। उनकी पूरी फैमिली पर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा रखी थी और वो परेशान होके तो जगह जगह तांत्रिकों पास जाके हैरान परेशान होके मेरे पास आए थे। मैंने उनको यह प्रयोग बताया था। आज वो पूरा परिवार हंसी खुशी से जीवन यापन कर रहा है और इस दिन के बाद से आज हमारे अच्छे पारिवारिक संबंध भी बन चुके हैं। यानी कि ये हनुमंत यंत्र का प्रयोग अद्भुत प्रभावशाली, इसे आप कर सकते हैं। इसी तरह माँ दुर्गा का प्रयोग बताता हूँ, जिसका प्रयोग मैंने हजारों लोगों को बताया है। यह प्रयोग भी अद्भुत है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आप पूजा घर में सिद्ध अभिमंत्रित दुर्गा विषय यंत्र की स्थापना करें। यह यंत्र स्थापना करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लाल रेशमी वस्त्र लेना है जिसे पूजा घर में बिछाएं। पूजा घर में बिछा बिछा के उस पर थोड़े से गंगा जल के छींटे देके उसे शुद्ध कर लें और फिर इस दुर्गा विषय यंत्र की स्थापना करें और यंत्र के सामने 5 गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और एक जटा वाला नारियल हल प्रयोग में काम आएगा। इसमें अद्भुत क्षमता होती है नेगेटिव एनर्जी को खींचने की। इसके पश्चात अपने लंबाई के बराबर मौली को इस नारियल के ऊपर लपेट दें और ठीक इसके पश्चात कपूर की 3 टिकिया यंत्र के सामने रखें और 13 दिनों तक दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत दुर्गा कवच एवं सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करें। इसके पश्चात आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विछे इस मंत्र का 108 बार जाप करें। 13 दिनों तक ये पाठ और ये मंत्र चलता रहेगा। इसके पश्चात इस नारियल को अपने ऊपर से एंटी क्लॉक वाइज 7 बार घुमाएं और इस नारियल को किसी सुनसान जगह पे पीपल का जो वृक्ष हो उसके नीचे रख के आ जाए और वहीं पर आपने जो कपूर काम में लिया था उस कपूर को जला दें। वापस पीछे मुड़े बगैर घर आ जाएं, हाथ मुँह धो लें, समझो आपकी तांत्रिक क्रिया नष्ट हो चुकी है। जी हाँ, माँ दुर्गा देवी का इस प्रयोग करने से तांत्रिक क्रिया नष्ट हो जाएगी और जिस घर में भी ये सिद्ध अभिमंत्रित माँ दुर्गा देवी का विषय यंत्र होता है कोई आपका बाल का बाका भी नहीं कर सकता। यह मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ क्योंकि माँ दुर्गा विषय के यंत्र में अद्भुत शक्तियाँ होती है। इसके अंदर जो बीज मंत्र होते हैं आयम रेम क्लीन चामुंडा विछे वो सभी राक्षसों का नाश करते आए हैं, तो तांत्रिक क्रिया आप पे क्या असर करेगी। इसके अलावा आप लोगों को मैं एक सीधा साधा कुछ घरेलू उपाय बताता हूँ। यदि आप किसी बुरी नज़र के शिकार हो गए हैं और इससे बचने के लिए आपको घर का सीधा सरल उपाय है कच्चे दूध का उपाय। जी हाँ, कच्चे दूध के द्वारा भी आप तांत्रिक क्रिया या बुरी नज़र को रोक सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति परेशान है, किसी पर बुरी नज़र लगी हुई है, तो उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से चारों ओर कच्चे दूध को घुमाएं। ऐसा आप 7 बार घुमाएंगे और अब इस दूध को किसी काले कुत्ते को ढूंढ कर उसे पिला दें। यह क्रिया आपको शनिवार के दिन ही करनी है। शनिवार के दिन करने से आपको ये लाभ अवश्य पहुँचाएगा। सीधा साधा सरल उपाय है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है।
इस प्रकार नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म करने के लिए यह एक सटीक प्रयोग है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता हूँ, यदि आप अपने घर में नियमित रूप से गोमूत्र का छिड़काव करेंगे तो भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी। गोमूत्र को पवित्र माना गया है, शास्त्रों के अंदर इसका पूरा वर्णन बताया गया है गोमूत्र में क्या शक्ति है। वैज्ञानिक भी इसकी खोज कर चुके हैं और अमेरिका ने तो गोमूत्र को पेटेंट करा रखा है और उसके द्वारा कई सारी दवाइयाँ बनाने लग गए हैं। नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने के लिए गोमूत्र एक अद्भुत प्रयोग है। इसके अलावा प्रतिदिन नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहाँ सुंदरकांड का पाठ करके आएं। यदि आप इनमें से दो या तीन टोटके भी कर लिए तो आप बुरी नज़र से बच जाएंगे और आप पे तांत्रिक क्रिया नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको सीधे साधे कुछ सरल घरेलू उपाय बताए। इन क्रियाओं को आप करेंगे तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की अगर तांत्रिक क्रिया है वो तांत्रिक क्रिया नष्ट हो जाएगी। तांत्रिक क्रियाओं के अंतर्गत मैंने रात्रि के अंदर किए जाने वाले प्रयोग भी बताए, तो जबकि कुछ घरेलू उपयोग भी बताए। यदि आपको रात्रि में किए गए प्रयोगों में करने से डर लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है। यह प्रयोग दिखने में जरूर अद्भुत लगते हैं लेकिन इनका कोई भी नेगेटिव प्रयोग नहीं, एनर्जी आप पर नहीं आएगी। फिर भी आपको डर लगता है तो मैंने आपको कुछ सात्विक हिंदू धर्म के अनुसार हनुमंत यंत्र और दुर्गा विसर्जन यंत्र का प्रयोग बताया है जो कि अद्भुत है और लाखों क्लाइंट के ऊपर किया जा चुका है। ये यंत्र आप अपने पूजा घर में रख कर करेंगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा। इन यंत्रों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा हो रही है तो आप हमारे जोधपुर के शिव ज्योतिष कार्यालय द्वारा संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर दिए गए, आप अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। आपको सिद्ध अभिमंत्रित करके यंत्र आप पर कोरियर द्वारा पहुँचा दिए जाएंगे। धन्यवाद।